दोस्तों, मेरा पैन कार्ड चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं? दोबारा से ओरिजिनल पैन कार्ड कैसे मंगाऊं और मैं क्या कर सकता हूं? तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो सकता है, कुछ फट गया है, गुम हो गया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हो गया है, तो आपको दोबारा से 50 रुपये पे करके और नया ओरिजिनल पैन कार्ड आपको मंगाना है। रिप्रिंट कैसे करते हैं तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो पैन कार्ड बना था वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। देख लीजिए, यहाँ पे मैं दो कंपनी के नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले तो ये रही जो सबसे ज़्यादा पैन कार्ड प्रोवाइड करती है, NSDL, और दूसरी है ये UTI। ठीक है, आप सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी कंपनी ने आपको पैन कार्ड दिया है, बनाया है। तो चलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिप्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर डाल के, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और दूसरा यहाँ पर है, इसी साइड में हमको यहाँ पर पैन नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर, मंथ, ईयर्स और यहाँ पर ये वाला कैप्चा डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देना। दोनों में सेम है। चलिए पहले मैं आपको UTI का बता देता हूँ, फिर आपको ये वाला आगे की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया, मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए, जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको रेड अक्षरों में एरर कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो पैन कार्ड है वो इस साइड से बना हुआ है, NSDL की साइड में। तो हमारा ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो UTI से नहीं बना है। तो अभी हमको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर वही सब कुछ सेम टू सेम फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर भी पैन नंबर डाला, आधार नंबर डाला और डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर्स डाला। अब मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और ये वाला कैप्चा यहाँ पर डाल के और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके, देख लीजिए, पैन कार्ड की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका पैन नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर है, आपकी ईमेल आईडी क्या है और पूरी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो अभी आपको यहाँ पर OTP मंगवाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ईमेल पे मंगा सकते हो, मोबाइल नंबर पे मंगा सकते हो, आप यहाँ से चूज़ आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से मोबाइल नंबर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और जनरेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, OTP यहाँ पर डाल के और वैलिडेट पर क्लिक कर देना। चलिए फटाफट से मैं OTP डाल देता हूँ। और मैंने OTP डाल दिया, मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने वैलिडेट पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर बता रहा है कि इंक्लूड GST, आपको 50 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ये रही ट्रांजेक्शन ID और आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप पे कंफर्म पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको, देख लीजिए, आप हम आ चुके हैं यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप अपने तरीके से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर वॉलेट से, UPI से। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ डेबिट कार्ड और यहाँ पर कार्ड नंबर डालूंगा, मंथ डालूंगा, ईयर डालूंगा और CVV नंबर डाल के, कार्ड होल्डर का नाम डाल के और मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अभी आपको यहाँ पर 50 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से मैं आगे की प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पर क्लिक किया तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, OTP यहाँ पर डाल के और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। चलिए फटाफट से मैं OTP डाल देता हूँ, इसके बाद मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट 50 रुपये की रिसीप्ट प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आप यहाँ से, आपको 7-8 दिन में आपके जो एड्रेस है पुराना वाला उस पर आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही ऑनलाइन मंगा सकते हैं, रिप्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं पैन कार्ड का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।